अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर पॉइंट मिस हो गया। खैर है, अब बाइक से आए यूनिवर्सिटी, क्लास भी ले ली। अब हम लोग जा रहे हैं एक्टिविटी सेंटर, क्योंकि आज आप लोगों को मैं कुछ नई चीज़ दिखाने वाला हूँ जो पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन है। पाकिस्तान किसी चीज़ में पीछे नहीं है भाई। तो आज मामलात कुछ ऐसे हैं, जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका नाम है बी बॉइंग, और ये एक गेम है और स्पोर्ट्स है ये, और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़के को करते हुए देखा था, तो बस मैंने बोला यार ये चीज़ आनी चाहिए व्लॉग में। तो आए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस बंदे से जो ये करते हैं और जिनको देखा देखे मैंने कहा कि यार मुझे चाहिए ये चीज़, ये सीखनी है मैंने ये चीज़। तो ये है जो क्या करते हैं, बी बॉइंग करते हैं। तो इनका नाम है अथर, और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैंने इनको एक बार करते हुए देखा था और अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा कि ये चीज़ आना चाहिए। तो पहले पूछते हैं इनसे कि है क्या बी बॉइंग। तो क्या बी बॉइंग, क्या चीज़, किस तरह से बी बॉइंग? एक्चुअली एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। इसमें यह है कि अभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बाहर मुल्क में से कोरिया, जापान, वहाँ ऐसे लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। और मैं नेशनल उनके चैनल पे दिखाया जाता है, स्पोर्ट्स चैनल पे दिखाया जाता है, उनकी बैटल्स होती हैं बी बॉइंग की। और इसमें आपने देखा होगा मे बी के टीवी पे या कहीं डांस वांस में, मीन्स कहीं सॉन्ग्स वगैरह में लोग सर पे घूम रहे हैं, एक हाथ पे घूम रहे हैं, कहीं और मतलब पीठ पे बल घूम रहे हैं, तो वो एक्चुअली बी बॉइंग बोलते हैं, और अच्छी वही स्पोर्ट्स है। ओके, तो बी बॉइंग स्पोर्ट्स है, डांस नहीं। एग्जैक्टली। ओके, तो चलें फिर हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं, फील्ड तो नहीं खैर, लेकिन ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर अच्छे से हो सके ये, और आपको दिखाते हैं कि होता क्या है। और ये मैं अभी यूनिवर्सिटी में बैठ के कर रहा हूँ, कोई जा नहीं रहा। वैसे ये लोग प्रैक्टिस वगैरह कहाँ पर करते हैं आप लोग? अथर भाई जो है हमारा एक्चुअली स्टूडियो है जी, इनका स्टूडियो है, वहाँ पे लोग बहुत सारे लड़के हैं। अभी तो ये सिर्फ अकेले हैं, वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, तो अभी मैं आपको सिर्फ इन अकेले ही दिखाता हूँ, और अगर पसंद आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर मैं आपको उन सबका भी दिखाऊंगा और वहाँ पे भी जाकर करूँगा। अच्छा जी, तो अभी अथर भाई थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है यार, करने से पहले स्ट्रेचिंग वगैरह की जाए, तो पहले स्ट्रेचिंग होगी। सो अथर भाई रेडी है? तो अथर भाई ऑन है। यार मैं कदे जिद भी हो यार, भी तू आई दिलदार, भी तू आई मुझे जनी जनी आई मुझे ता जानिया जानिया मज तू रानिया दसन मैं जानी मुझे बार तो अच्छा तू बार तू दिसा तू मुझे मुझे जानी मज तू मज जानी जिने सखर उने मखन जिने झटपट मजे वार पट जिने लड़कनो उने मां कानो जिने हैदराबादी उने नरम दे ओ कदे मिलता हसी सिद्धि हो कदे मिलता हसी कदे मिलता हसी ओ कदे मिलता हसी ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे सोना।
तो देखा आप लोगों ने, करने के बाद इस तरह हालत हो जाती है। और अच्छा, इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्टेमिना एक तो पहली बात, तो सही। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस। मीन आपने सुना होगा द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ की, उतनी ज़्यादा आती रहेगी, स्टेमिना भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ भी आती रहेगी। मेक श्योर ये टाइम लेती चीज़, मीन अराउंड 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हो, तो उसके हिसाब से वो कम टाइम लगेगा। अच्छा, अभी अगर मुझे ये चीज़ सीखनी है तो कैसे सीख सकता हूँ, कहाँ से? सर, मैं सिखा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तुम्हें बॉडी स्ट्रेच करनी पड़ेगी, बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल होनी पड़ेगी, फिर से करोगे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलने के बाद तुम्हारी फिर बॉडी किस कैपेबल होगी कि तुम मूव कर सको, तो इट टेक्स मच टाइम, एज कम्पेयर अराउंड 2 or 3 years। अच्छा, तो अभी मुझे एक स्टेप सिखा देंगे, एक छोटा मोटा एक? चलो मैं ट्राई करूंगा, वरना बहुत मुश्किल है। तो आपका भाई करेगा अब ये एक दो स्टेप, बी बोइंग का। आप करके दिखाएंगे फिर मैं करूंगा। तो जो मैंने स्टेप किया उसका नाम क्या था? उसका फुटवर्क का वन लेग स्पिन। आपके भाई को वन लेग स्पिन आ गई एक ही दिन में। तो यार वाकई जान बच जाती है, स्टेमिना एनर्जी की वाकई ज़रूरत है। तो बस अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि फिर मैं जहाँ पर ये लोग करते हैं, इनके सारे बॉयज़ होते हैं, वहाँ जाकर आपको करके दिखाऊंगा और वहाँ की दिखाऊंगा कि ये लोग प्रैक्टिस किस तरह करते हैं। सो अथर, थैंक यू सो मच यार। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं। यार गर्मी बहुत है तो सोचा थोड़ी लस्सी हो जाए, लस्सी पीने आए हम लोग यहाँ पर। और जो लस्सी वाला जो लस्सी बनाएगा वो ये है। वापसी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बाहर हम लोग गए थे, सिर्फ लस्सी पी, और वरना हम लोग रेगुलर नाश्ता करते हैं, और इस टाइम मैंने नाश्ता भी नहीं कराया। वो एक्चुअली अभी हमारा मैच है, शायद इस वजह से नहीं, वो पता नहीं क्या है। चलो खैर। अच्छा जी, तो आज हमारा जो है फुटसल का टूर्नामेंट है, तो चेंज करने जा रहे हैं किट करने के लिए। तो किट कर लिए हमने और बस अब इंतज़ार है कि टीम्स वगैरह आएँ और मैच शुरू हो। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है ये टूर्नामेंट जो है, सिटी कैंपस करवा रही है। तो एंट्री के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, आ गए इसके भी। प्लीज प्लीज नहीं, मेरे मुझे नहीं दिखाना प्लीज। अच्छा भाई, तो हमारे मैचेस हो गए और हम लोग टूर्नामेंट से बाहर हो गए, हार गए। अच्छा जी, मैच से तो हम लोग हो गए फारिग, लेकिन अभी यहाँ नेसरूटा वाले आए हैं, कोई टैलेंट वाली सिंगिंग एक्टिंग वगैरह करवा रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने कर लिया मैच की वजह से, अभी तक नहीं कर पाया, दिखा पाया। एक सिंगर आया, कोई अंग्रेज़ है, ज़रा उसकी चेक कर रहे हैं आप सिंगिंग। Hey!
अबे यार ये सिंगर तो अपना रऊफ निकला यार, सॉरी रऊफ। हाँ भाई, तो आज के मामला ऐसे थे, तो अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मामला कुछ ऐसे थे।